डू यू हैव एक्चुअली नीडेड ए 5.9 होम थिएटर? वेल, मेरे ख्याल से शायद किसी और ने अभी तक इसी टॉपिक के ऊपर बात नहीं किया होगा, तो इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हमारा ऑप्शन कम्युनिटी बहुत जल्द कंप्लीट होने वाला है, आपको भी बहुत बड़े बड़े कॉन्टेंट देखने को मिलेगा, मेरे को भी बहुत ज़्यादा खुशी मिलने वाला है। सो कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक, दोस्तों मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो कि एकदम जेन्युइन है, ठीक है? बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक देखना, आपका ही फायदा रहने वाला है। बाद में आप डिसाइड करना, क्योंकि पैसा भी आपका है, चॉइस भी आपका है, मैं कौन हूँ बोलने वाला है। सो दोस्तों देखिए, अगर आप ऐसा सोच के रखे हो या फिर आप एक 5.1 ट्रू सराउंड साउंड बार एंड हो सकता है होम थिएटर खरीदने के लिए रेडी हो, तो थोड़ा रुक जाओ। क्योंकि दोस्तों देखिए, अक्सर होता ही है कि जब भी हम कोई 5.1 सराउंड साउंड के साथ आने वाला कोई भी होम थिएटर या फिर साउंड बार परचेस करते हैं, और मूवी देखने के वक्त में एकदम परफेक्ट रहता है। मूवी के लिए 5.1 कॉन्फ़िगरेशन मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है, तो वो चाहिए। अगर आपका आपके पास पैसा ज़्यादा है, आप चाहते हो 9.1, 11.2, वो तो बहुत ज़्यादा को बेस्ट ऑडियो एक्सपीरियंस मिलने वाला है वहाँ से। तो यहाँ पर तब मुसीबतें जो हमारे सामने खड़ा हो जाते हैं, जब हम एक 5.1 होम थिएटर से कोई भी म्यूज़िक सुनने के वक्त में हम ऐसा सोच लेते हैं कि जो एक्सपीरियंस मूवी में हमको मिला है, वही सेम एक्सपीरियंस म्यूज़िक सुनने के वक्त में मिलेगा। और जब नहीं मिलता है तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हमको लगता है, ऐसा लगता है कि हमने बेकार की साउंड बार खरीद ली है, क्यों नहीं ऐसा इफेक्ट मिला है। तो ये चीज़ मेरे साथ भी हुआ है, जब मेरे को उतना ज़्यादा ऑडियो के बारे में नॉलेज नहीं हुआ करता था, तो मैं यही सोचता था कि मूवी जब मैं देख रहा हूँ तो काफ़ी बढ़िया साउंड क्वालिटी निकल कर रहे, लेकिन जब मैं कोई भी ऑडियो फॉर्मेट को प्ले कर रहा हूँ, क्यों नहीं आ रहा है। तो बाद में मेरे को पता चला क्यों नहीं आ रहा है, और इतना सिंपल सा चीज़ मेरे को पहले क्यों नहीं समझ में आई, मैं रिग्रेट कर रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, जो ऑडियो फॉर्मेट रहता है वो बेसिकली 2.0 स्टीरियो में उसको रिकॉर्ड किया जाता है, चाहे आप इंग्लिश सुन लीजिए, हिंदी, बंगाली, कोई भी। हाँ, डिफरेंस जो रहता है वो ऑडियो बीट का, तो इसलिए जो वेस्टर्न कंट्री का सॉन्ग वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको जो इंस्ट्रूमेंट्स वर्सन सुनने को मिलता है, लेकिन जो फॉर्मेट रहता है एंड जो प्रोसेसिंग मिक्सिंग प्रोसेसिंग वो टेक्नोलॉजी स्टीरियो में ही होता है। और जो 5.1 होम थिएटर है वहाँ पर क्या हो, अगर आप स्टीरियो फॉर्मेट को वहाँ पर डाल दोगे ना, 5 चैनल है, 5 चैनल का अलग अलग वहाँ पर जो है फ्रिक्वेंसी को डिलीवर करता है, तो वो डिकोड कर लेगा, लेकिन उतने अच्छे तरीके से वो डिकोड नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक 5.1 होम थिएटर में आपको 5.1 फाइल भी देना पड़ता है, तब जाके जो है पूरे वो कंप्लीट कर पाता है अपना जो काम करने का क्षमता है। तो आप एक अच्छा खासा होम थिएटर खरीदने के बाद अगर आप बोलोगे मैं एनालॉग इनपुट दूंगा वहाँ पर, एनालॉग मीन्स नॉर्मल कोई भी फॉर्मेट, तो कहाँ से डिकोड। तो यही जो फर्क है, इसलिए आपने शायद देखे होंगे जो रियर स्पीकर होते हैं मूवी के वक्त में, वो जितना अच्छे तरीके से साउंड को डिलीवर कर पाते हैं, ऑडियो प्लेइंग के टाइम में वो चीज़ हमें सुनने को नहीं मिलता है। और एक चीज़ है जो लोग फिलहाल के लिए बता रहे हैं कि एक प्रॉब्लम हो रही है उन लोगों के साथ, जो खास करके सोनी का साउंड बार मार्केट के अंदर देखने को मिल रहा है, चाहे वो S20R, S40R, S5000RF, S7000RF, इसके अलावा जो JBL का भी साउंड बार आता है 5.9, 9.1, वहाँ पर ऑडियो सुनने के टाइम में सेम ही इशू वो लोग जो है उन लोगों को झेलना पड़ रहा है। तो यही वजह है, आप वहाँ पर 5.1 जो फॉर्मेट है वहाँ पर डालकर देखिए, आप एक कम कर सकते हो, जो एप्पल म्यूजिक है वो लॉसलेस रहता है, उसको री मास्टर किया जाता है, या फिर जो डॉल्बी सपोर्टेड यानी कि डॉल्बी एटमॉस के खुद का बनाया हुआ जो ऑडियो फॉर्मेट है उसको प्ले कीजिए, तब आपको जो है मूवी की तरह यानी कि क्लोजेस्ट टू थिएटर वाली ऑडियो एक्सपीरियंस मिलने वाला है। तो यही जो है जॉनसी फर्क के वजह से जो है हमारा एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं खराब रहता है, रहने वाले है। तो इसलिए मैं आपको यही सलाह दूंगी कि अगर पॉसिबल हो पाए तो 2.1 या फिर 2.0 जो हाई एंड स्पीकर है, अगर आप एफोर्ड कर सकते हो तो उसको खरीद लीजिए एक अच्छे खासा एक्टिव साउंड बार। अगर सिर्फ आप म्यूजिक सुनने के लिए यहाँ पर होम थिएटर खरीदने जा रहे हो तो मत खरीदेगा, क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस है ऑलमोस्ट खराब ही रहने वाले। तो स्टीरियो जो है वहाँ पर बेहतरीन तरीके से वर्क करता है, आप एक अच्छा खासा होम थिएटर ले सकते हो, स्टीरियो लॉजिटेक का ले सकते हो, काफ़ी बेहतरीन साउंड देता है, चाहे बेस के मामले में हो, ट्रिबल के मामले में, आज भी कोई भी अंडर 50,000-30,000 ने उसको नहीं बीट कर पाए। बहुत ही लाजवाब सिस्टम, या फिर क्रिएटिव का इंस्पायर सीरीज ले सकता है, अगर आपको पुराना सिस्टम मिलता है तो कई बार भी अच्छे खासे कंडीशन में, या फिर सोनी SRS T9, ये जो सिस्टम है काफ़ी बढ़िया सिस्टम, आप एक बार सुनकर देख लीजिएगा।
आपको खुद ही पता लग जाएगा। तो यही जो है मेन रीज़न अगर जो सराउंड स्पीकर है वो ऑडियो फॉर्मेट में क्यों अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाते। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले बाइंग डिसीजन में, अगर आप कोई भी साउंड बार या फिर होम थिएटर 2.1 मल्टीमीडिया स्पीकर खरीदने वाले हो एंड अपना जो डाउट था आई होप वो आप क्लियर हो गए होंगे। तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ खूब सारा शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय।